आज हम लोग बच्चों को बतलाएंगे कि सेमेस्टर सिक्स्थ में जो CC 13 पेपर पढ़ना है उसमें मुहावरा एक चैप्टर है, मुहावरा के बारे हम लोग जानेंगे। तो चूंकि ये नागपुरी प्रतिष्ठा का है इसलिए नागपुरी में ही इसका आंसर लिखना रहता है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ कि हिंदी और नागपुरी दुयो में मुहावरा कर प्रयोग वाक्य के बढ़िया ढंग से राखे के लिए इकर प्रयोग करें ना। तो मुहावरा जो है हिंदी जैसन है वैसे नागपुरी में है, बहुत ज़्यादा इकर में अंतर नखे। हमें रोज दिन जो बातचीत करेला, अभिव्यक्ति करेला, वाक्य बनेला, वो वाक्य कर अर्थ के बढ़िया ढंग से राखे के लिए मुहावरा कर प्रयोग करल जाएला, जे कि शब्द और वाक्य कर जोड़ के बहुत मजबूत करेला, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करेला, वाक्य भाषा कर जे सौस्थव है वो और महत्व बढ़ जाएला। मुहावरा शब्द कर अगर देखल जाए कि एक्चुअल में मुहावरा जे है ये अरबी शब्द है, जेकर मतलब होला कि आपस में बातचीत करे, सवाल जवाब करे कर अर्थ है बोध कराए। अपन आदमी अपन लोक व्यवहार में जे जे बसूत और विचार जे देखेला, समझेला, अनुभव करेला, वो कहें बांधे के लिए, उस शब्द के बांधे के लिए मुहावरा कर प्रयोग करल जाएला। मुहावरा गद्यात्मक में ही होएला और बहुत छोट होएला, बहुत लंबा इकर में नहीं होएला। भाषा शास्त्री मन इके परिभाषित करे के लिए अलग अलग शब्द कर चयन किए हैं, अलग अलग वाक्य कर चयन किए हैं और इकर में जो है उत्पत्ति के सब आदमी जो हैं, जितना भी भाषाविद मन है, इके सब रहस्य कर रूप में ही कह रहे हैं। भाषा में इकर प्रयोग जो है हास्य, व्यंग, चमत्कार, लघुता मतलब छोट रूप कर विचार अभिव्यक्ति के सरल बनाए के लिए होएला। इके हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी जे साहित्य कर बहुत पुरोधा लेखक हैं, विचारक हैं, साहित्यकार हैं, भाषाविद हैं, वो बता हैं कि मुहावरा किसी भाषा अथवा बोली में प्रयुक्त होने वाला वह वाक्य खंड है जो अपनी उपस्थिति से समस्त वाक्य को सबल, सहज, रोचक और चुस्त बना देता है। संसार में मनुष्य ने अपने लोक व्यवहार में जिन जिन वस्तुओं और विचारों को बड़े कौतूहल से देखा है, समझा है, बार बार उसका अनुभव किया है, उसको उसने शब्दों में बांध दिया, उसी को मुहावरा कहते हैं। डॉक्टर कृष्णलाल हंस दूसर विचार राई खैकर में वो कहना कि मुहावरा वास्तव में वाक्य खंड है। जब इसका प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब उस वाक्य की शक्ति और प्रभाव पूर्व अपेक्षा बहुत बढ़ जाता है। तीसरा जे जाना माना नाम है वो डॉक्टर कृष्णलाल यादव। मुहावरा उस सुगठित पद समूह का नाम है जो अपना साधारण अर्थ नहीं अपितु एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो मुहावरा कर संबंध में बहुत जे विचारक मन हैं, भाषाविद मन हैं, वो दोसर दोसर वाक्य में इके बताए प्रयास कर हैं कि मुहावरा कर अर्थ का हैला। कुल मिला के देखल जाएला तो बहुत बढ़िया ढंग से इके डॉक्टर कन्हैया लाल सहल बता हैं कि मुहावरा वस्तुतः किसी भाषा की वैचारिक चाल ढाल है। जैसे मनुष्य की आकृतियां भिन्न भिन्न होती है वैसे ही भाषा विशेष के मुहावरे भी भिन्न भिन्न होते हैं, उनके अपने अपने चित्र विचित्र प्रयोग होते हैं, किंतु देश विदेश की लोकोक्तियों में मुहावरे की सी भिन्नता नहीं मिलती है। एक ही माता पिता की जैसे अनेक पुत्रियां होती है प्रायः वैसे ही अनुभव रूपी माता पिता की दुहिताएं ये लोकोक्तियां और इसीलिए विभिन्न देशों की लोकोक्तियां में मानव जाति की सामान्य संपत्ति बनने की क्षमता पाई जाती है। इतिर हमें कही सकेला कि व्यवहारिक जीवन में
जे आदमी कर व्यवहारिक जीवन है उकर में सुख दुख जातिगत कार्यगत काम करे बेराकर अन्य अनुभव कर जे अभिव्यक्ति है उके हमें ऊपरे कर देल मुहावरा कर अनुसार उकर परिभाषा कर अनुसार इके प्रयोग करेला। मुहावरा में शब्द संयोजन ऐसन ध्वनित होयला कि लागेल कि वास्तविक नहीं हुई के सरल करेकले उके प्रयोग करल जायला। इकर जे प्रयोग है नागपुरी बोलेक बेरा हमें इके प्रयोग करेला जेकर से भाषा बहुत सरल और ग्रहणीय होयला ग्रहण करेक लायक रहेला। नागपुरी में अगर देखल जाए तो मुहावरा में अखन तक जे काम करवैया मन है इगर शोध करे वाला मन है उकर में सबसे पहिल नाम आवेला डॉक्टर भुवनेश्वर अनुजकर जे अपन पुस्तक लोक साहित्य में 60 मुहावरा कर सूची दे रहे हैं। दोसर राम अवतार जी अपन लेख फुर्सत चखना में कुछ उदाहरण दे के मुहावरा के बताए प्रयास कर रहे हैं। इकर अलावे आदिवासी पत्रिका कर जे विशेषांक मन है और पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी अपन जे पुस्तक पुस्तिका रहे नागपुरी भाषा उकर में कुछ मुहावरा कर उल्लेख कर हैं। इके हैं देखते डॉक्टर कृष्ण प्रसाद साहू कलाधर और डॉक्टर हरीश कुमार चौरसिया दुयो जे मिल के नागपुरी कहावत और मुहावरा कोश तैयार कर हैं जे कि सीसई ताज प्रिंटिंग प्रेस से छप रहे 2001 में। इकर में लगभग 612 मुहावरा कर संकलन करल जा है। इकर में संकलन करता नागपुरी भाषा कर विशिष्ट पहचान देख ले बहुत चेष्टा इकर में कर हैं। दोसर डॉक्टर गिरिराज मनकर संपादन में जनजातीय शोध संस्थान से भी निकले लाई है जेकर में कला गाथा गीत कहावत मुहावरा पहली मंत्र सब कर उल्लेख है। तो देखल जायला कि मुहावरा जे है उके हमें अनेक बरन से बाइट के देख सकीला। इकर जे वर्गीकरण है नागपुरी भाषा में मुहावरा कर तो एकदम विशिष्ट स्थान है कोई भी वाक्य के सरल रूप से राखे के ले तो मुहावरा कर प्रयोग से जे है नागपुरी भाषा कर लाक्षणिकता बनल रहो उकर लिखे वर्गीकरण करल जायला। तो इके 7 वर्ण से डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज बता हैं उनकर अनुसार पहला है संस्कार तथा प्रथाओं का उल्लेख करने वाले ऐसन मुहावरा जे कि संस्कार के बतायला। संस्कार यानी जन्म से मृत्यु तक जैसन थारी बजाय कर मतलब होयला पुत्र जन्म कर प्राप्ति होयक। गांठ जोड़ेक मतलब दुई जीवा होयक शादी होयक बिहा होयक दुई जीवा ने बिहा होयक और उकर होयला जे उसने टूरा होयक। टूरा होय कर मतलब जेकर माय बाप मर जाए ना उके टूरा होय कहल जायला। वैसने कुछ उदाहरण है खुरी रख देख गुरा फूटेक गोड़ लागे अर्घा में हाथ गलेक अरवा चाउर के चुमावेक आँख फूटेक आदि आदि। दोसर है इतिहास कर चित्रण ऐतिहासिक तथ्य कर चित्रण करेक वाला अर्थ जिसन आवेला मुहावरा में वैसने देखल जाए तो कर उदाहरण मन है कि उजबैक होयक मतलब मुरुख होयक कर उजबैक मतलब मुरुख होयक। वैसने विभीषण होयक इकर मतलब होयला कि देशद्रोही करेक। तीसर है जातिगत घटना कर संबंध में जातिगत मतलब एकदम जे है हमार समाज में जातिवाद कर भेद बहुत है जैसा नीरा बैल होयक नीरा बैल मतलब मुरुख होयक कर। गुरु वो तो गुरु बन गलक कहें मतलब बहुत सीधापन है उगर में। चौथा है पौराणिक संदर्भ संबंधी समाज में पाप पुण्य मोक्ष स्वर्ग नरक आदि कर बहुत गहरा प्रभाव है झारखंडी समाज में। भाग्यवाद जो है कर्मवाद तो है यहाँ कर आदमी जो है बिहान से सांझ तक कर्मवादी रहना एक भाग्यवाद कर आधार में भी बहुत जो है देखल जायला मुहावरा में। जैसन पाप धोए का मतलब है कि सत्कर्म करे बढ़िया काम करे माया जाल रचे मतलब मरीची के माया जाल रचे कर संकेत देवे ना इतिहास के संबंध में। वैसने कुछ नैतिक संदर्भ में है नीति संबंधी मुहावरा भी बहुत मिलेला। जैसन हरदी कर रंग विदेशी कर संग कोई आदमी अगर बाहरी आदमी धोखा दे देना तो वाक्य के बहुत सरल तरीका से कहे के ले ई जे मुहावरा है हरदी कर रंग विदेशी कर संग इके लगाए के अभिव्यक्त करे ना तो और मजबूती होयला। वैसने बहुत सारा उदाहरण है लेवेक एक नि देवेक दुई आँख में धूर छीटेक
आपन नस में टांगा मारेक, ऊंच पीढ़ा देवेक, गाले गीत के गावेक, घर फोरेक, घोरना घोरेक, जोरल बाद नहीं टूटे, दावक यार। इकर बाद है सगुन अपसगुन कर संबंध में, जैसन नागपुरी भाषी क्षेत्र में जन समुदाय जे है बहुत ऐसन मुहावरा कर प्रयोग करें जेकर में व्याप्त अंधविश्वास सगुन अपसगुन मन भी आवेला। जैसन तरहट्टी खजवाएक, इकर मतलब होयला कि भविष्य में कोनो फायदा कर बात होए। ऐसने आइक फरके, मतलब इकरो मतलब होयला कि भविष्य में कोनो फायदा पहुंचाए। ऐसने मूड ठनके, मतलब ई अपसगुन कर संदेश है के अपसगुन कोनो आवेग वाला रहला तो मूड ठनके कहनाई के। ऐसने सातवां और अंतिम है आर्थिक स्थिति कर चित्रण करे। नागपुरी मुहावरा में आदमी कर आर्थिक स्थिति कर भी चित्रण मिले, जैसन पेट काटे। पेट काटे मतलब आदमी अपन जिंदगी के बिताए के लिए गरीबी जे रहला वो कहें दर्शाए के लिए पेट काटे शब्द कर प्रयोग करें। दोसर अनकर धने विक्रम राजा, मतलब दोसर कर कमाई में राज करे अगर कोई होलक तो वाक्य के सार्थक बनाए के लिए ई मुहावरा कर प्रयोग करल जाएला। वैसने ऊंट कर मुंह में जीरक फोरन, मतलब बहुत चाही रहे लेकिन बहुत कम मिललक। वैसने और भी मिलेला जिसन एक से एक सो एक, कुकुर कर माय बिलई, कपार चरकाएक, डांडा टूटेक, घर चलाएक, तितकी में खड़ा रहेक, तरवा और कपार कर पसेना एक होएक, थूक में सतुआ सानेक, पेट में लाइट मारेक। तो ऐसन देखल जाए तो नागपुरी मुहावरा अपन मूल रूप में बहुत मिलेला। नागपुरी भाषी क्षेत्र में लोक मुहावरा कर प्रयोग बगरा देखल जाएला, शहरी क्षेत्र में अन्य भाषा मनक अपेक्षा मुहावरा भी प्रयोग बगरा होयला। इकर जे है हमें लोक साहित्य में भी बहुत पावीला मुहावरा कर, वही ले कहल जाए कि नागपुरी साहित्य के यथावत और मूल बनाएक में मुहावरा कर बहुत योगदान है।